ये जो तंबू, टेंट और मेला देख रहे हैं, ये ना सोचिएगा कि नुमाइश लग रही है। दरअसल रोजगार के लिए हरदोई आए लोगों का लॉकडाउन के चलते काम धंधा तो बंद ही हो गया, साथ ही वे लोग भी फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में रामलीला मेले में प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में हरदोई में ही फंस कर रह गए हैं। किसी ने मैजिक शो लगाया था तो किसी ने झूले व दुकानें लगाई थीं। रामलीला मेले में आए सभी लोग मुरादाबाद, दिल्ली, उत्तराखंड, सीतापुर, रामपुर के रहने वाले हैं। यहाँ हर वर्ष फरवरी से मार्च तक लगने वाला मेला में अपनी कलाकारी व झूलों से लोगों को आनंदित करने आए, लेकिन उसी दौरान केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन का ऐलान किया गया। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जहाँ है वहीं रहे। प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करते हुए ये सभी लोग यहीं रुके हुए हैं और अब हल्के हल्के लॉकडाउन खुलने के इंतज़ार में ये लोग रुके हुए थे, लेकिन अब इनके पास रुपए ख़त्म हो चुके हैं और लॉकडाउन खुलने के भी आसार दिखाई नहीं पड़ रहे। इन सभी लोगों ने सरकार से मांग की है उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाने में मदद करें। लोग जो है जी प्रदर्शनियों में लगाते हैं अपने प्रोग्राम मैजिक शो का, तो मतलब ये हुआ कि हम लोग तो अब किसी को तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। होली के बाद तो ये भी बताया गया कि मेला कुछ दिन और चलेगा, अब ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा पता होता तो हम लोग पहले ही चले जाते, कोई बात नहीं। उसके बाद जब होली ख़त्म हुई है तो हम लोगों को ये बताया गया कि दो दिन और चलेगा, लेकिन वो चला ही नहीं मेला। और जो हम लोगों के पास जो भी हम लोगों ने कमाया यहाँ पर पूरे मेले में, वो समझ लें आप तो सोच सकते हैं कि इतना टाइम हो चुका है हम लोगों को रुके थे, तो जो भी कमाया हम लोगों ने वो खर्च हो चुका है। अब जो भी सहायता मिली तरफ से, ये जो भी हम लोगों को खाने राशन वगैरह मिल रहा है वो ही मिला है, बाकी हम लोगों के पास पैसा वैसा कुछ भी नहीं है। और हम इस टाइम ऐसी हालात में पड़े हैं कि कुछ कह नहीं सकते हम। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने शहर यहाँ से छोड़ के कहीं अपना शहर चले जाएँ, तो ताकि हमें तकलीफ ना हो। पैसे वैसे हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है और इससे ज़्यादा इस टाइम तो इतने परेशान हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। करीब 10-12-15 परिवार हैं यहाँ पर, अब वो लोग भी फंसे हुए हैं, कोई किधर का है कोई किधर का है। अब हम लोग उधम सिंह नगर मतलब उत्तराखंड के हैं, कोई इधर रामपुर के हैं, कोई दिल्ली के हैं, तो जगह जगह से फंसे हुए हैं। लेकिन यह है कि उन लोगों के पास किसी के पास हम लोगों के पास पैसा नहीं है, जो पैसे थे हम लोगों के पास ख़त्म हो चुके हैं। बस फिलहाल तो अभी यह है कि खाने के सहारे से चल रहे हैं। अब यह है कि सरकार से हमारी विनती है कि जो भी हमारी थोड़ी बहुत मदद कर सकें या हमारे सामान को हमारे घर तक पहुंचाने का इतना कर सकें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जो ख्याल रखा जा रहा है, मैं बार बार उन लोगों से व्यक्तिगत जो है मिलता रहता हूं और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में उन्हें खाने पीने की, मैं इसीलिए जाता रहता हूँ कि उन्हें कहीं खाने पीने की अगर दिक्कत हो तो हमारी सामुदायिक किचन चल रही है, उसमें वो खाना खा सकते हैं। लेकिन उन लोग को अपने पास व्यवस्था है, राशन वगैरह वो खरीद के खाते रहते हैं। और क्योंकि उसमें जैसे झूला वाला है, उसका ये कहना है कि सर हम मेला टू मेला ही जाते हैं और इतना बड़ा स्ट्रक्चर मेरे पास है, इसको हम कहीं अपने घर पर ले जाकर रख भी नहीं सकते, इतनी जगह नहीं हमारे पास है, तो हम दूसरे मेले में जाते हैं। क्योंकि लॉकडाउन हो जाने का जो आगे मेला में वो जाते थे वो जा नहीं पाए, इसलिए वो रह रहे हैं यहाँ पर। और उसमें कुछ और 2-3 दुकानदार हैं जो कि मौलाना साहब थे जो कानपुर के हैं, वो रह रहे हैं। उनसे भी मैं व्यक्तिगत मिला, उनको उन्होंने भी यही कहा कि सर अभी हम अभी यहीं रहेंगे क्योंकि कानपुर में भी स्थिति वहाँ गड़बड़ है, तो हम अभी यहीं रहेंगे और हमारे पास खाने की पीने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ दुकान जो है यहीं के लोकल लोगों की भी है, वो लोग अपना स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, उसे चाहे हटा भी सकते हैं। हमने उन लोगों से ये भी कहा कि अगर आप जाना चाहते हो तो शासन आपको भेजने की व्यवस्था करेगी, उसके लिए जो शासन के नियम बनाए गए हैं कि आपकी जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, क्वारंटाइन सेंटर में आपको चलना पड़ेगा और वहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद जो है फिर आपको शासन छोड़ देगा, जहाँ भी आपका घर होगा आपको भिजवाएगा। लेकिन उन लोगों ने कहा सर अब क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ेगा, तो हम यहीं ठीक हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको अपना नंबर भी दे रखा है,
कि आप मेरा मोबाइल नंबर रखो, किसी प्रकार की भी दिक्कत आपको लगती है आप तत्काल मुझसे संपर्क करो। हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं कि इन लोगों का ध्यान रखा जाए, इसलिए मैं व्यक्तिगत बार बार जाके इनसे मिलता रहता हूँ, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।